सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम साखी पाठ पढ़ेंगे। तो आप सभी आलोक भाग दो के पृष्ठ संख्या 67 निकाल लीजिए। तो शुरू करते हैं। तेरा साई तुझ में जीव बहुपन में बास, कस्तूरी का मीरक जीव फिर ढूंढने घास। अर्थात ईश्वर कहाँ है, वो बाहर नहीं हृदय में ही वास करते हैं। जैसे फूलों में खुशबू होती है, जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में ही होती है और वह ज्ञान के अभाव में उसे यहाँ वहाँ ढूंढता है, तरह तरह की घास सूंघता है। अर्थात भाव यह है कि ज्ञान के अभाव में ईश्वर की खोजने में व्यक्ति जगह जगह भटकता है, कभी मंदिर कभी तीर्थ। वास्तव में उसके दर्शन हृदय में ही हो सकते हैं। जैसे फूलों की खुशबू को देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है, वैसे ही ईश्वर एक आत्मिक स्थिति है, उसे महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, सद्गुरु की महिमा अनंत होती है। वे अपने शिष्यों पर अनंत उपकार करते हैं, वे हमारी बंद आँखों को खोल देते हैं और ईश्वर के दर्शन करा देते हैं। अर्थात हमारी अज्ञानता दूर करते हैं, अंधकार से रोशनी की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार है, शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ डालकर बाहर से थाप मारते हैं, ठीक उसी प्रकार शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर अंतर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य की बुराइयों को दूर करके संसार में सम्मानीय बनाते हैं। नेक्स्ट, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर इस संसार में बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन ज्ञानी कोई नहीं बन सका। ज्ञानी वही बना जिन्होंने प्रेम के ढाई अक्षर को पढ़ लिया। अर्थात जो प्यार बांटते हैं, प्यार की भाषा हर प्राणी को समझ में आती है, इसलिए जिसने प्यार की भाषा जान ली वही वास्तव में ज्ञानी होता है। ठीक है सर, आज का नहीं माना था, तुम लोग के भाग के पढ़ी सभा। थैंक यू।